तो दोस्तों हियर वी गो यार यार इंडियन चीपेस्ट लैपटॉप इज हियर। वैसे ये तो डब्बा है, जियो बुक इन माय हैंड भाई। आज इसको यार टोटली करने वाले अनबॉक्स, बिल्कुल यार इसको खोल देंगे। बाकी सुबह सुबह यार डब्बा फेंक के चले गए मेरे मुंह पे। बाकी यार फिर मैंने सोचा जब आई गया डब्बा तो यार ओपन कर ले, तो यार मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे देखो यार ये लैपटॉप मुझे लगा था बहुत ही रद्दी होगा, पर एक्चुअली ऐसा सीन नहीं है, काफी कुछ इसमें ठीक भी है। आज थोड़ा इस पर लुकआउट करेंगे, सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बड़ा एक्साइटेड हूँ, तोड़ मचोड़ आज यार फोड़ देंगे, शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ चुका है बॉक्स अपने पास जियो की ब्रांडिंग के साथ। ये शायद मॉडल नंबर मेरे को यहां मिलता है। वैसे बॉक्स बोलूं तो एक नंबर इन्होंने इस बार दिया। पिछली बार मैंने यार एक कंट्रोलर लिया था, याद होगा आपको, इसका भी अनबॉक्सिंग आई बटन से देख सकते हो। ये कंट्रोलर का बॉक्स बहुत रगड़ के दे दिया था, कंट्रोलर भी बाकी यार ये बेकार सा ही था जियो का। दोनों चीज इन लोगों ने एकदम ऐसा लग रहा है यार रगड़ के दे दिया है, लैपटॉप भी ये भी। बाकी लैपटॉप की तो चलो अभी देखते हैं, कंट्रोलर मजा नहीं आया था। बाकी चलो ये इनका बॉक्स है। बॉक्स के यार थोड़ा यहां पे स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाती है, साथ ही साथ ध्यान से अगर मैं आपको दिखा पाऊं भाई 35,000, ये तो भाई बड़ा पंगा है। इसके लिए तो चप्पल जूते मेरे को मारो, ऐसा लग रहा है। 35,000 में भाई 2 GB रैम क्या बोलोगे, इतने में मेरे पास पीसी एक पड़ा हुआ है, वो बन जाता है। बाकी चलो ये बॉक्स का ऊपर से बात हो गई, अब इसको ओपन करते हैं। तो यार एक बॉक्स मैंने हटा दिया था जो ऊपर से आया था, और इसको चार्ज भी कर लिया था क्योंकि बिल्कुल ही भाई नल बैटरी दी थी इन्होंने, जीरो। बाकी भाई जीरो से फुल चार्ज होने में अराउंड में आपको मैं बताऊं तो 2 घंटे 30 मिनट के आसपास टाइम लगा था, या शायद उससे ज्यादा हो सकता है। बाकी ये अपना बॉक्स आ जाता है। बॉक्स में मुझे नहीं लग रहा यार ज्यादा कुछ होगा, यहाँ पे कुछ यार वारंटी की चीज दे गई है। और ये अपना लैपटॉप भाई बहुत छोटा सा लैपटॉप है, अगेन यार 11 इंच के आसपास की स्क्रीन है, तो कितना ही उम्मीद रखोगे। तो ठीक है इसको देखते हैं, अभी ये मेन यूनिट यही है अपने पास। अच्छा यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी गई है, लैपटॉप को नीचे रख देते हैं। एक यार चार्जर दिया गया है, बिल्कुल ये देख सकते हो। चार्जर भाई इनका ठीक है, मतलब यार नॉर्मली अब इतना हैवी लैपटॉप नहीं है तो चार्जर का कुछ वैसा बात बनता नहीं है, देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का आपको यार इसके अंदर चार्जर मिल जाता है, ठीक है, मतलब लैपटॉप को चार्ज करने के लिए सफिशियंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैनुअल गाइड है, मैनुअल क्या ही भाई, इसने हम पीसी बिल्ड कर देते हैं, ये सब मैनुअल कौन पढ़ता है ना, क्या बोलते हो। बाकी चलो और बॉक्स में हमें यार मुझे नहीं लग रहा कुछ मिलेगा, नहीं यार बाकी कुछ नहीं है। बॉक्स को करते हैं थोड़ा साइड, यहाँ पे फेंक दिया जाए बॉक्स, आ गया भाई लैपटॉप अपना। तो सबसे पहले यार इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं यार मटेरियल लास्टिक। ओ फील तो बहुत तगड़ा है भाई इसका। देखो यार फील इसका ना, मैंने एक चीज़ बोलूँ, लैपटॉप और इनका यार कंट्रोलर, ये दोनों का फील आप देखोगे ना, दोनों का फील एक नंबर है, क्योंकि यार दोनों में मैट फिनिशिंग करी गई है जिससे बहुत स्मूथ लगता है। इसको आप यार रियल में जब टच करोगे ना एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता भाई इस प्राइस में कोई लैपटॉप और ये देते हैं, ये चीज़ में तो अच्छा है भाई, जो चीज़ अच्छी है वो तो माननी पड़ेगी। बाकी चलो लैपटॉप का साइज़ देखो यार, बिल्कुल कंट्रोलर के हाफ का जितना आप मान सकते हो। अब इसको भाई ओपन करने का टाइम आ गया, पर उससे पहले अगर मैं साइड पोर्ट आपको दिखा दूं। बाकी दोस्तों राइट साइड में आपको सबसे पहला यहाँ पे मिलेगा यार हेडफोन का, उसके बाद एक USB 2.0 का स्लॉट है, और एक यार बिल्कुल सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया। 4G लैपटॉप है, वाईफाई भी अवेलेबल है, बाकी आप सिम भी लगा सकते हो। फ्रंट में तो यही है, और भाई बैक में मेरे को यार ये नहीं समझ आ रहा इसमें रैम कैसे हम लोग अपग्रेड करेंगे, देखना पड़ेगा, जरूर करूंगा मैं, क्योंकि 2 GB से तो कुछ नहीं होगा, कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ, ये लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो सबसे पहले तो भाई HDMI मिल जाता है, ताकि अगर आप कोई प्रोजेक्शन कर रहे हो ना प्रोजेक्टर की मदद से, तो उसके लिए आउटपुट के लिए होगा। एक मिल जाता है भाई USB 3.0 स्लॉट, और एक चार्जिंग का स्लॉट है, बस इतने ही स्लॉट है यार, मतलब USB के दो ही स्लॉट मिलते हैं, ठीक है। एक माउस लगा दिया आपने तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए सर अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं इसे ओपन करता हूं, तो बिल्कुल यार यहां पे आपको सबसे पहले तो इसकी ब्रांडिंग ही मिल जाती है, जियो बुक के नाम से देख सकते हो। कीबोर्ड की बात करूं तो भाई ये देखो यार कीबोर्ड है, सही है, मतलब अच्छे हैं, मतलब वही है यार, हाफ कीबोर्ड आपको मिल जाते हैं लैपटॉप के हिसाब से, ठीक है, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको यार कुछ लाइट्स वाइट्स का सुविधा मिल जाती है, ऑन ऑफ और चार्जिंग ये सब की चीजें हैं, बस और कुछ नहीं है। ये ऑन का बटन आपका यहाँ पे अवेलेबल है, तो चलो इसको यार ऑन करते हैं और इसको यार फर्दर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ऑन मैं दबाता हूँ यहाँ पे। एक चीज और आप देखोगे तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कैमरा भी हमें दिया गया है, पता नहीं 2 मेगापिक्सल का दिया कितने का दिया। ऑन करता हूँ यार सबसे पहले इसे, भाई मेरे साथ सीन हो गया यार, मैंने फुल चार्ज करा था सुबह सुबह, अभी देख रहा हूँ यार चार्जिंग ही पूरी गायब हो गई है। नहीं नहीं बैटरी है, मेरे को लगा था चार्जिंग गायब कैसे हो गई है। दोस्तों शुरू करते हैं, ऑन इंटरफेस आ गए, अब सॉफ्टवेयर लेवल पे देखते हैं क्या क्या कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ पे भाई ऑन बटन को दबा के रखना पड़ता है, मुझे पता चल गया, इससे आपका लैपटॉप भाई बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, जियो की ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई क्या क्या कुछ आता है। ये लो भाई यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस आ गए, और बूटिंग अब डायरेक्टली इन्होंने जियो OS को बूट कर दिया, इसका मतलब आप समझ रहे हो इसके अंदर BIOS का शायद ऑप्शन ना भी हो सकता है, मैं क्लियर नहीं हूं अभी, पर इनिशियली जो पता चल रहा है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो कनेक्ट टू इंटरनेट, बिल्कुल सिम तो मैं नहीं लगाने वाला हूँ, इंटरनेट से फटाफट से कनेक्ट करता हूँ। एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ भाई, ये 2.4 GHz वाले ही मेरे यार जो वाईफाई का आ रहा है उसको सिग्नल को ले पा रहा है, 5 GHz नहीं ले रहा है, तो समझ आता
आता है, 4G लैपटॉप है। आगे करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू इनके पॉलिसीज को करते हैं भाई एग्री, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओ डायरेक्टली यार जियो OS ओपन हो गया। तो दोस्तों लैपटॉप जियो का खुल चुका है भाई, अब इसके अंदर की चीजें देखने के लिए चलते हैं यार ऑन डिस्प्ले, वहीं फर्दर देखते हैं। तो दोस्तों हियर वी गो। यस यार जियो का लैपटॉप हो गया एकदम यार, सब कुछ रेडी ऑन हो चुका है। करते हैं भाई शुरू इसके ऊपर अपना काम। सबसे पहले तो यार आपके सामने इंटरफेस आता है, किस तरीके का है, पसंद आया आपको? वॉलपेपर के ज्यादा ऑप्शन नहीं है भाई, बस कलर चेंज है यही है। मेरे को लगा था अलग अलग होंगे, ऐसा है नहीं। अब सबसे पहले इंटरफेस देखो भाई इसका, तो बीच में आपको टाइम दिखता है ठीक है। उसके बाद आपको राइट में एक जियो का बटन दिया है इन्होंने, जैसे अपना विंडोज में नहीं होता, इस पर क्लिक करते हैं तो वही स्लीप का, लॉक का, ये सब ऑप्शन है। आप चाहो तो प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें बहुत कुछ सेट कर सकते हो। अगर अंदर थोड़ा सा चलते हैं तो ये देखो भाई राइट साइड में क्या है। राइट साइड में यार कुछ क्विक सेटिंग दी गई है, काफी अच्छा लगता है देखने में। और एक तरीके से भाई ये एंड्रॉइड का टैबलेट ही आप मान सकते हो। लैपटॉप तो चलो दे दिया है नाम, पर टैबलेट से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यार यहाँ पे कुछ ब्लूटूथ की है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी ये देखो यार सिम विम लगाओगे तो उसकी यार नेटवर्क वो सब चीजें आ जाती है। थोड़ा इधर जाएं तो वो सब चीजें, बैटरी सेवर ये सब आ रही है, ब्राइटनेस, और कुछ सेटिंग में जाके आप थोड़ी बहुत चीजें देख सकते हो, वो अलग चीज है, वो इतना खासा नहीं लगा। अब चलते हैं थोड़ा अंदर, एप्स के अंदर लुकआउट करते हैं। तो यहाँ मैं जाता हूँ भाई ऑल एप्स में क्लिक करता हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना ये एंड्रॉइड वाला फील दिया है कुछ ठीक है। अब यार अगर ऑल एप्स में क्लिक करता हूँ तो हियर यू कैन सी सारे के सारे फालतू ऐप है, वही है भाई सही बताऊं तो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ध्यान से अगर आप खुद देखते हो, देखो यार कैलेंडर क्या काम है भाई, कैलकुलेटर, बाकी यहाँ पे कैमरा है, कैमरे की क्वालिटी अभी आपको दिखा देते हैं, बाकी क्लॉक, अगेन भाई क्लॉक का हमें यार कोई काम नहीं है। ये कंपनी पोर्टल दी गई है, अगर यार आपका कुछ कंपनी रिलेटेड चीज है तो वहां पे बेसिकली ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कॉन्टैक्ट, अगर सिम लगाते हो तब के लिए एडिटर, एडिटर है, फाइल पता नहीं दो दोस्त दे रखी है इन्होंने, चलो बढ़िया है आपका ही जाए। जियो पेंट भी है भाई, पुरानी यादें ताजा हो गई, विंडो 7 में हम पेंट करते थे ना वैसा कुछ सीन है ये देखो, ये चलो बढ़िया है यार। टच होता तो और मजा आता, क्या 15,000 में टच थोड़ी मिलेगा यार, क्या सोच रहे हो आप भी। फिर ये कुछ यार फालतू की एप्स है, और फिर जियो गैलरी है, इसमें आपके कुछ फोटोज वोटोज अगर आप यार रखना चाहो इसके अंदर, 32GB स्टोरेज के अंदर आपका मन है बिल्कुल यार। आगे चलते हैं, जियो पेज मैंने डाउनलोड करा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जियो स्टोर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिस ही मिलेगा, कुछ और भरा ही नहीं है भाई इन्होंने। अगर जिन लोगों को लग रहा है जियो स्टोर वो ऐप वाला है जो वो सब फोन वोन वाला, वो नहीं है यार, ये एप्स एप्लीकेशन बेस है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जियो टर्मिनल हाँ ये एक काम की चीज है, पर इसको मैंने अभी इतना खुल के यूज नहीं किया, देखूंगा बाद में आपको अगली रिव्यू वीडियो या फिर आगे गेम्स वेम्स में देखेंगे ना तब करेंगे। ऑफिस इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिला है, बाकी हाँ ये डाउनलोड भी हो जाएगा। टास्क मैनेजर भी दिया गया और सेटिंग भी है। अब मैं आपको सबसे पहले टास्क मैनेजर दिखाता हूँ, तो हियर यू कैन सी भाई टास्क मैनेजर बिल्कुल विंडोज की कॉपी दे दी भाई साहब, देख सकते हो एक एक चीज परफॉर्मेंस आगे। ये परफॉर्मेंस में आप देखोगे सीपीयू क्या मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो यार 8 कोर का सीपीयू है अपना, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, वही क्वालकॉम का प्रोसेसर मैं अब आपको बता ही रहा था ठीक है, इतना खासा नहीं है यार। और आगे चलते हैं मेमोरी में, तो वो देखो यार 2GB की मेमोरी है जिसमें से टोटल मेमोरी इतनी है, फ्री मेमोरी बस मेरे पास यार MB में बची है, क्या करूँ गेम खेलूँ इसमें, मैं अपग्रेड करना पड़ेगा वरना कुछ भी नहीं होगा, वो हाल है। कैचे मेमोरी बहुत है यार, अच्छा जी इथरनेट कनेक्शन ये इतना फास्ट ले नहीं पाता है, बाकी हाँ यहाँ पे वही स्टार्टअप और ये सब चीज़ें डिटेल्स ठीक है, ये सब वही फालतू की चीज़ें हैं, हटाओ यार इन सबको। तो ये हो गया बेसिकली टास्क मैनेजर, मैं आपको दिखा दिया, सेटिंग भी दिखा देता हूँ आपको। तो सेटिंग यार कुछ इस तरीके से आ रही है, मैंने यार पिछली बार खुला था तो अलग तरीके से आ रही थी। अबाउट द डिवाइस पे चलते हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पे तब पता चल जाएगी। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हो गया, फिर हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यार थोड़ी बहुत चीज़ें। बाकी दोस्तों ये एंड्रॉइड 10 पे बेस था, जब मैंने लास्ट चेक करा था ना अपडेट नहीं हुआ था तब मैंने देखा था एंड्रॉइड 10 बेस है, बाकी अब ये चीज़ें दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ इन्होंने छुपा दिया है। बाकी सेटिंग मैंने आपको दिया, टास्क मैनेजर दिखा दिया, जियो स्टोर दिखाता हूँ, ये भी अच्छा है ठीक है, मतलब काम चला हुआ है। ये देखो यार इसमें जितनी भी आपको एप्लीकेशन दिख रही है ना ज़्यादातर आपको माइक्रोसॉफ्ट की दिख रही होगी, पता है पार्टनर क्या है यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख सकते हो, मेन यही है हाईलाइटेड। जियो TV भी इन्होंने दिया है, विकीपीडिया दे रखा है, और कुछ और भी है मनोरंजन के लिए आपके, ताकि आप बोर ना हो। बाकी माय ऐप्स में आप माय ऐप्स देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी इन्होंने कर रखा है, पर इतनी एप्लीकेशन सही में नहीं है कि भर जाए आपका। मेरे हिसाब से यार 20-30 से ज़्यादा मुझे दिख नहीं रही है, और कुछ सर्च भी कर रहा था तो नहीं आ रहा था, मैंने सोचा स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करूँ, अरे भाई साहब है ही नहीं मेरी, वाह वाट लग गई भाई, कहाँ से डाउनलोड करा फिर आपको बताऊँ। जियो पेज डाउनलोड करा, जियो पेज बेसिकली क्या है ये देखो यार, मैं ओपन करके आपको सीधे दिखाता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन सी यार जियो पेज का लुक है, ये बेसिकली वही है ऑनलाइन गूगल ये सब आप ओपन करके वो सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। तो ये मैंने यार ऊपर से आपको सब कुछ बता दिया जितना भी जियो OS के अंदर है, क्या क्या एप्लीकेशन मिल रही है, क्या फालतू चीज़ें भर रखी है। वैसे मेरे को यार पसंद आया लैपटॉप, ऐसी बात नहीं, मतलब यार सीन क्या है ना मेरे को पसंद इसलिए आ गया क्योंकि यार देखो जो इसका यार मैंने अभी दिखाया ना जियो पेज, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, और वही मैं इस समय कर रहा हूँ। मैंने देखो यार AZ स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करा और उससे स्क्रीन डाउनलोड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, वरना हो ही नहीं पा रही थी स्क्रीन रिकॉर्ड। तो इस तरीके से मेरे को लगता है बहुत सारी एप्लीकेशन इस पर वर्क करेगी, फ्यूचर में वो चीज़ देखते हैं। बाकी हाँ अभी के लिए मुझे बढ़िया लगा, थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस अमेजिंग टैबलेट। यस यार मेरे हिसाब से भाई इसका नाम ना जियो वालों ने गलत रखा है, लैपटॉप की जगह टैबलेट रखते तो बहुत सही रहता। तो उस हिसाब से भाई जिस प्राइस में आता है, प्राइस अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने इसको यार क्रेडिट कार्ड की मदद से लिया,
तो वहां 13,500 या 700 जितना भी रहा हो यार 10% डिस्काउंट मिल गया था। वैसे नॉर्मली शायद 15,700 के आसपास के प्राइस है। अब देखो इतने में यार टैबलेट आते हैं मैं सही बताऊं तो, और उस हिसाब से ये डिवाइस जो है ना ये टैबलेट से ज्यादा कुछ नहीं है। एक एंड्रॉइड इसमें सिस्टम डाल रखा है और उसकी मदद से एक जियो ओएस बना दिया। बाकी यहाँ एक चीज अच्छी लगी यार, एंड्रॉइड एप्लीकेशन चल रही है। देखो अभी मैं इसका रिव्यू बिल्कुल नहीं दूंगा यार, क्योंकि एक बार रिव्यू अच्छे से यूज करने के बाद होता है ना, अभी 30-25 मिनट यूज करा है मैंने। अभी सोच रहा हूँ मैं इसे एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद एक अच्छा रिव्यू वीडियो लाएंगे इसके ऊपर, तब और बातें करेंगे। हाँ गेमिंग वीडियो यार कोशिश करूंगा नेक्स्ट लें, गेमिंग इस पर ट्राई करेंगे। एसपर्ट गेम तो शायद चला देगा मुझे जितना लग रहा है। और इवन भाई जियो वालों ने जो कंट्रोलर निकाला है वो इसी के साथ पेयर होने के लिए बना है, तो मतलब बहुत कुछ होगा भाई, अभी इसको छोड़ने नहीं वाले हैं। बाकी यहाँ देखो टैबलेट अगर सोच रहे हो तो इसकी प्राइस सही है, लैपटॉप के हिसाब से बेकार है, क्योंकि लैपटॉप यार मेरे हिसाब से जनवरी के आसपास में प्राइम बुक आ रहा है, इस पर आप आई बटन पर वीडियो देख सकते हो, वो बेस्ट रहेगा 15,000 के आसपास में। बाकी चलो यार ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी मुझे लग रहा हो गई है, कैसी लगी वो वीडियो जरूर कमेंट में बताना, कैसा लगा लैपटॉप वो भी बताना। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हाँ यार लाइक बनता है, सब्सक्राइब कर दो यार टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।